48 बचपन से उसको संधि वाती क्या नहीं होता था और इनका हाथ उठते वक्त तकलीफ होता था, जॉइंट्स पेन था। जब आपने प्रार्थना किया तो पूरी तरह से उनको चंगाई मिल गई। माइक पे दो इनको, आप बताइए बहन आपको क्या प्रॉब्लम था, माइक पे बताइए। मेरा हाथ ही बहुत दुखता था, इधर पूरे जॉइंट जॉइंट दुखते थे बचपन से, लेकिन अभी यहाँ जब प्रेयर हुआ तब बिल्कुल ठीक हो गया। आप घुमाओ हाथ, घुमाओ। 48 ईयर्स से पहले 48 साल से ये था और यीशु मसीह ने आधा मिनट के यीशु मसीह के नाम में ये बेटी को गई है किया तो उनके आंख की दिखने लगा और कानों से सुन रहे हैं अभी। आपका कौन से कान से, इधर देखिए माजी, आपको कौन से कान से नहीं सुनाई देता था, ये नहीं सुनाई देता था, बिल्कुल नहीं सुनाई देता था, और अभी प्रार्थना के बाद में आपको सुनाई दे रहा है। ये कान बंद कीजिए, आप ये कान बंद कीजिए, मैं जो बोलता हूँ आप बोलिए माइक। पहले आपको नहीं सुनाई देता था, हालेलुया, ये बहन को ये कान से नहीं सुनाई देता था। कभी से ऐसा था बहन? दस साल हो गए, आठ दस साल हो गए, ये कान से उनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता था। प्रार्थना के बाद में ये माजी कह रही है उनको सुनाई दे रहा है। आपको आंखी में भी प्रॉब्लम था? हाँ हाँ हाँ, ये माजी कह रहे, बोलिया हाँ, मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था 8-10 साल से, तो एक आंख का ऑपरेशन बराबर नहीं हुआ था, उससे चेहरे नहीं दिखते थे मेरे को, अभी मेरे को पूरा दिख रहा है चश्मे के बगैर। हालेलुया, दोनों आंखें के ऑपरेशन हो गए थे इनके, एक आंख ठीक हो गया था लेकिन एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा था, आज वो आंख जो नहीं दिखाई दे रहा था उससे भी उसको दिखाई दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की। इनको 10 साल से ये कान बंद था, 8-10 साल से ये खुल गया है। किसने ठीक किया माजी आपको? यीशु ने। आमेन। आपको कितने साल से नहीं दिखाई दे रहा था? ये चश्मा कितने साल से पहनते हो? चश्मा तो 30 साल से पहनने पर। 30 साल से जब चश्मा बिगड़ नहीं दिखता था, चश्मा बिगड़ नहीं दिखता था, नहीं दिखता था, आज चश्मा बिगड़ आपको दिख रहा है? दिख रहा है। 30 साल से चश्मा बिगड़ उसको नहीं दिख रहा था, आज चश्मा बिगड़ उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। Praise the Lord. किसने टिक किया माजी आपको? यीशु ने। हालेलुया, उसके पीछे चल रहे हैं माजी। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की, यीशु की लहू की। ये माता जी सांगली से आई है, डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट करो, लेकिन कल आते वक्त उनको बैठ भी नहीं सकते थे, यहाँ पर जब आपने प्रार्थना किया वो खुद चल के आए, रुक रहे और प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया है। क्या त्रस्ता, आप एमपी की बेटी हो, क्या बोलो इनका बारे में? इसके बारे में, इसको हर्निया का प्रॉब्लम बोला डॉक्टर ने, लेकिन उम्र के हिसाब से इसका ऑपरेशन नहीं होता था और ये बहुत 15 दिन एक महीने से हर्निया का प्रॉब्लम था और बहुत दर्द होता था, दर्द और इसको बुखार बहुत था। डॉक्टर बोले एडमिट करो, हम बोले नहीं, प्रेयर में लेके जाने का हम आज हम उसको ऐसे उठा के लाए, लेकिन इतने घंटे बैठी है यहाँ पर और प्रभु के धन्यवाद कर रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, माजी ठीक हो गई है यीशु मसीह के नाम में, कोई ऑपरेशन नहीं। हालेलुया, आइए माजी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हा ओम नावाचा मुलगा आहे आणि जन्मापासून ह्याला काहीच ऐकायला येत नव्हतं, पण आता पास्टरांनी प्रार्थना केल्यापासून त्याला ऐकायला येतं, तर आपण त्याला काही विचारलं की तो बरोबर उत्तर देतोय। तुझं नाव काय? ये बच्चा कितना उम्र के है इनका? 8 उम्र है। आप कौन है? इनके नानी है, ये नानी है और नानी बोल रही है कि बचपन से ये बच्चा बहरा था, यस, लेकिन आज प्रार्थना के बाद में ये बच्चा सुनने लग गया है। हालेलुया, बोल बेटा यीशु, यीशु, जीसस, जीसस, हालेलुया। ये टोटल बहरा था, इसकी नानी कह रही है 8 साल से। प्रेज द लॉर्ड। कोनी बरा केला बाबा तुला? कोनी बरा केला तुला? प्रभु ने, प्रभु यीशु ने। हालेलुया, यीशु मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली दीजिए प्रभु यीशु मसीह को. आमेन, 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 बोला हालेलुया. ऑपरेशन के बाद वो चलने ठीक से एक पैर दोनों पैर पे खड़े नहीं रह सकते थे, अभी चल रहे हैं. और सर में मुंगिया थे, डॉक्टर ने बहुत सारे चेकिंग बोला, लेकिन उनको अभी पूरा फ्री लग रहा है. आओ आओ बेन, इधर आइए. आपको क्या प्रॉब्लम था, माइक दीजिए बेन. प्रेज द लॉर्ड. 2012 मध्ये माझा ऍक्सिडेंट झालं होतं. एका पायात माझ्या 1.5 फुटाचा रॉड आहे, 12 टाके त्याच्यामध्ये. तर मी देवाची सेवा 10 वर्षापासून करते, आराधनेमध्ये पण मी तत्पर असायचे. पण 2 वर्षापासून मी 2 पायावर उभा राहून देवाची आराधना करू शकत नव्हते. पण आज देवाच्या इथं येऊन मी 2 पायावर उड्या मारून देवाची आराधना केली, म्हणून देवाला धन्यवाद. आणि तेव्हापासून मला सारखं चक्कर येत होती, मी घरात कधीही चक्कर येऊन पडत होते ह्या वर्षामध्ये. डॉक्टर म्हणले की साईड इफेक्ट झाला असेल सरकारी दवा गोळ्यांचा. तर मला परवाच मी दवाखान्यात गेले चक्कर आल्यामुळं, घरात पडले होते. मी पाणी पिलं, थोडं साखर खाल्लं की मला बरं वाटायचे. मला भीती वाटायची की ब्रेन ट्यूमर निघतो की काय, किंवा शुगर निघतं की काय. मी जेव्हा चेकअप करायला गेले तेव्हा डॉक्टर म्हणले वजन पण खूप वाढतं आहे, थायरॉइडचं चेकअप करा, शुगरचं चेकअप करा, आणि ब्लड प्रेशरचं चेकअप करा. पण मला आज असं वाटतंय की माझ्या लाईफमध्ये देवाचं आगमन होईपर्यंत ह्या चेकअपची मला कधीही गरज लागणार नाही. हालेलुया, देवाच्या नावाला पूर्ण गौरव देते. बेना बच्चा उडी मार के दिखाओ अभी. हालेलुया, ये बहन के पैर में रोड था, ये बहन चल नहीं सकती थी, खड़े नहीं रह सकती थी, लेकिन आज आपके सामने इन्होंने उड़ी मार के बताया है. ये यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, बोलो हालेलुया. अंकल को 15 साल से कान से सुनाई नहीं दे रहा था, शुगर फैक्ट्री में काम करते तो कान के फट गए ऐसे कह रहे. 15 साल से सुनाई नहीं देता था, जब आपने प्रार्थना किया तो अभी उनको सुनाई देने लगा है. कौन से कान से नहीं सुनता था, ये कान से? आप शुगर फैक्ट्री में काम करते हो, कहाँ पर, कौन से जगह पे? फिटर था मैं, फिटर. कौन से जगह? शक्कर कारखाने में. हाँ, शक्कर कारखाने में ये भाई साहब काम करते हैं, और वो आवाज की वजह से तुम्हारा एक कान का पर्दा फट गया था. और आज इनको सुनाई दे रहा, पहले नहीं सुनाई देता था, आज इनको सुनाई दे रहा है. कितने साल ऐसे थे? 15 साल. हालेलुया, 15 साल के बाद अभी तुमको इससे सुनाई दे रहा है. ये बंद करो इसका. हालेलुया, यीशु जीते, होजाना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 15 साल से ये कान का पर्दा फट गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, आज यीशु मसीह के नाम में ये भाई सुन रहा है. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. कोणी बरं केलं भाऊ तुम्हाला, कोणी बरं केलं, कोणी बरं केलं? आमेन, आमेन, आमेन. रहोगे ना आप, तक जाओगे ताली बजाते. यस, वैसे ही हो गया यहाँ पर. यस, माता जी पिछले 14-15 साल से गोली खा रहे थे, पूरा गर्दन हाथ पर पूरा दुखते थे, वो बैठ नहीं सकती थी, झुक नहीं सकती थी, लेकिन जब आपने प्रार्थना किया तो पूरी तरह से उनको प्रभु ने चंगाई दिया है. पूरा गर्दन से नीचे तक आपको दर्द था 14-15 साल से गोली खा रहे थे, 14-15 साल से, और आज प्रभु ने एक झटके में तुमको ठीक कर दिया है. आज तुम आनंदित रहना बहन, और कभी बीमार नहीं होगे, आप कभी बीमार नहीं होगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है अभी. आमेन, बोलो हालेलुया. देखो हमारे पास कितने सारे साक्षी गवाह हैं यहाँ पर. भाई रेलवे से, लेकिन जब प्रेयर के बाद ये चल रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं. आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था? माइक दे दो ब्रदर. आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था? हाँ. क्या हुआ था? रेल से गिरा था. ट्रेन से? हाँ. फिर इधर मुक्का मार लगा था. हाँ. और पीठ पर. कितने साल हो गए? अभी ये 4 महीना हो गया. 4 महीना हो गया. हाँ, सोने को नहीं आता था, बाथरूम जाने को नहीं आता था. अभी चलने को होता है? अभी आता. बाथरूम में बैठने को नहीं होता? नहीं आता था. अभी बैठ के दिखाओ. हालेलुया, यीशु मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 4 महीने से तकलीफ था. yes. हाथ ऐसे रखेंगे तो ऐसा ही रहता था, ऐसा ऐसे रखेंगे ऐसा मुंगी आता था. Praise the Lord. जब आपने प्रार्थना किया तो पूरी तरह से चंगाई मिल गई. आमेन, हालेलुया. यस, नेक्स्ट सिस्टर आइए. पास्टर
आइए, कल हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल कल सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। कल धन्यवाद।